कोरोना महामारी के चलते आईआईटी मंडी ने ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम तैयार किया है ताकि इस स्क्रीनिंग सिस्टम के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बॉडी टेम्परेचर की जांच कर ये पता किया जा सकता है कि व्यक्ति के शरीर का तापमान 100 डिग्री से ऊपर तो नहीं है। प्रारंभिक जांच के लिए व्यक्ति को सिस्टम से अलग 10 से 15 की दूरी पर खड़ा किया जाता है। अगर सिस्टम में नीली बत्ती जलने के बाद बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। वहीं अगर नीली बत्ती जलने के तुरंत एक सेकंड बाद लाल बत्ती जलती है तो व्यक्ति के शरीर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तो ये संकेत व्यक्ति में बुखार के लक्षण दर्शाते हैं, जिसके चलते व्यक्ति को स्वास्थ्य जांच की सलाह दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण के तौर पर इस ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम को डीसी मंडी के कार्यालय के बाहर स्थापित किया गया है। अगर इस सिस्टम का प्रशिक्षण सफल रहा तो इसे अन्य सार्वजनिक स्थानों में भी स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि आईआईटी मंडी द्वारा कम लागत पर ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम तैयार किया गया है ताकि कोरोना महामारी के प्राथमिक संकेत की जांच की जाए और कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जाए। हालांकि इस थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम को प्रशिक्षण के तौर पर डीसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया है। अगर प्रशिक्षण सफल रहा तो जल्द ही इसको अन्य स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए स्थापित किया जाएगा। आईआईटी मंडी का जो ये थीम है उनके माध्यम से एक टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर हमारे दरवाजे पे लगाया है डीसी ऑफिस के एंट्रेंस गेट पे, जिससे कि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक बिना छुए चेक किया जा सके। तो ये प्रोटोटाइप मॉडल है वो जो इन्होंने तैयार किया है और ये एज एक पायलट के रूप में हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया है। इसकी इसका डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, इसकी वर्किंग हम चेक कर रहे हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से उपयोग में आ रहा है। और ये लो कॉस्ट एक टेक्नोलॉजी है जो कि आराम से हम बाकी जगह पर भी इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जब ये कोविड का दौर चला हुआ है इसमें हर जगह पर जहाँ पर भी एंट्रेंस है वहाँ पर टेम्परेचर सेंसिंग की जा रही है। और ये जो एक सिंपल सा डिवाइस इन्होंने बनाया है जिसके बारे में विस्तृत जानकारी ये देंगे, इसमें बस दो लाइट्स हैं जिसे एक लाइट से ट्रिगर होके एक टेम्परेचर सेंस होता है और अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा तो रेड लाइट शुरू होगा, साथ में बजर बजेगा उसमें। अगर तो टेम्परेचर उससे कम है तो लाइट जो है वो अपने आप मिट जाएगा और व्यक्ति अंदर जा सकता है। तो ऑटोमेटिक सेंसिंग है, इसको पायलट के रूप में यहाँ पर लगाया है। अगर ये बहुत अच्छे से काम करता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, तो इसको और जगह पर भी इसको रेप्लिकेट किया है। मेरा शुभ नाम है डॉक्टर वरुण दत्त और मैं हूँ उदय, मैं भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईआईटी में। विषय के बारे में जानकारी दी, जैसे डीसी साहब ने आपको बताया ये सिस्टम जो है कम लागत में बनाया गया लो कॉस्ट सिस्टम है और ये क्या करता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर नापता है। और बॉडी का टेम्परेचर जैसे आपने पता है कि जैसे कोविड 19 में जो सबसे एक अच्छा लक्षण है कोविड 19 के लिए वो है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है, आपको बुखार होता है। तो हम इसको बुखार नापने की मशीन की तरह से बनाया है, जिससे के लिए अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे 100 डिग्री बुखार से अगर ऊपर होता है, मतलब जैसे सीरियस फीवर जिसको कहते हैं, तो उस केस में इसकी लाल बत्ती जल जाएगी। तो पहले जो आदमी होगा उसको सामने खड़ा होना होगा 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में और इसमें एक नीली बत्ती जलेगी, ब्लू लाइट, और वो जो ब्लू लाइट है वो जल के एक सेकेंड बाद बंद हो जाएगी। अगर तो हो जाती है बंद तो आपका तापमान 100 डिग्री से नीचे है, मतलब आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बुखार नहीं है। लेकिन अगर उसका ब्लू लाइट लाल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और एक हीटर बन जाता है तो वो आपका बुखार ज़्यादा है। तो इस कारण से हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपना बुखार चेक कराने के लिए, क्योंकि बुखार बहुत तरीक़ों से होता है, तो ज़रूरी नहीं कि कोविड 19 की वजह से ही हो। तो ये इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, इसमें बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की मदद से इसको बनाया गया है और ये बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम बसों में लगा सकते हैं, या तो ऑफिस के दरवाजे पे लगाया गया है और थ्री व्हीलर और ऑटो में भी लगा सकते हैं। जो मोबाइल जो आपके चालक जैसे रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग
बसों में चढ़ते हैं, वहाँ पे भी एक साथ सफ़र करते हैं। तो अगर कोविड या इस तरह की चीज़ को रोकना है तो ये उस तरह के वाहनों में, बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने इसका